तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSCL जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम CRPF का ट्रेडमैन का जो है एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और जिस बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है वो कैसे आप जो चेक कर पाएंगे कि आपका एडमिट कार्ड आया नहीं आया, और बाकी जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है उसको आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको पता चल पाएगा किसका एडमिट कार्ड आया कैसे डाउनलोड करेंगे, जिसका नहीं आया वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और अपना भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और भी एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। अगर कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक और बाकी कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी इस वीडियो से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। चलो फिर बताता हूँ आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है CRPF का अपना एडमिट कार्ड या ट्रेनमेंट का। दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, डायरेक्ट आ जाना, डायरेक्ट लिंक दे दूँगा आपको। जैसे ही आप आ जाएगा यहाँ पर एडमिट कार्ड दिख जाता है, एडमिट कार्ड के नीचे लिख रहा है CRPF कोस्टल ट्रेनमेंट एडमिट कार्ड 2023, इस पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जो बच्चों का जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच जो है इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन सा एडमिट कार्ड कौन सी तारीख में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मेरा यूट्यूब पे जाके देख लेना जो है इसके वीडियो, इसके नोटिफिकेशन के बारे में है। तो जो है आज जो है जिसका एडमिट कार्ड आज जारी हुआ है वो हुआ है 1 से 3 तारीख के बीच वालों का, जिसका 1 तारीख से 3 जुलाई के बीच पेपर है। चलो आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। अभी आपको नीचे आना है, यहाँ से लिख रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसके सामने क्लिक कर लिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा है, आपको क्या करना है यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद अपना जो है पासवर्ड आया होगा आपके जो है फॉर्म भरते टाइम, तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पर नोट करना है। ठीक है दोस्तों, आपकी ई मेल आई डी पर आएगा और प्लस आपके मोबाइल नंबर पर भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लेना जब आपका ये आप दोनों चीज़ डाल दोगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपके पास मिस हो चुका है, तो आप क्या करोगे, फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपनी जो है ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपके फॉर्म भरते टाइम आपने ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद ये वाला कैप्चर यहाँ पे डालना है, फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पे जो है या फ़ोन पे या ईमेल आईडी पे ये पासवर्ड आपका भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के साथ। तो फिर आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, अभी आप देख सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, पहला है एप्लीकेशन डिटेल्स, दूसरा है एडमिट कार्ड और तीसरा है हेल्प डिस्क। अगर आपको कोई हेल्प डिस्क चाहिए तो आप यहाँ पे प्लेस करके अपने हेल्प डिस्क ले सकते हैं। बाकी अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डाउनलोड कर CRPF टेक्निकल ट्रेनमेंट 1 से 12 जुलाई 2023। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसका कॉन्स्टेबल जो भी है आपका उसका नाम आ जाएगा, जो भी इसने ट्रेड भरी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इसका कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस भी कॉलेज में इसका एग्जाम है, उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएगा इसकी डेट। अभी आपको क्या करना है, इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो एग्जाम है वो 3 तारीख में है। ठीक है दोस्तों, 3/7/2023 में। तो यहाँ पर आपको ई एडमिट कार्ड डाउनलोड लिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी जो है डाउनलोड PDF ओपन हो जाएगी। अभी ये देख सकते हैं आपका जो एडमिट कार्ड है, यही आपका एडमिट कार्ड है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, तो इसमें आप देख सकते हैं रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और आप जहाँ एग्जाम डेट भी लिखी हुई है, और आपका रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। अभी नीचे आ जाते हैं, आपको ले जाना क्या क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो, तो आप समझ लीजिए आपको कैसे कैसे ये भरना है। सबसे पहले आपको हिंदी में भरना है यहाँ पे, उसके बाद इंग्लिश में भरना है, उसके बाद कृपया 1 से 10 अंक लिखे, तो यहाँ पे आपको जो है वो लिखने हैं जो आपका रोल नंबर वगैरह है। उसके बाद आपको नाम लिखना है, उसके बाद माता का नाम, नाम एंड पता पूरा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और निरक्ष, ये आपको उम्मीदवार के अंगूठे का निशान, उसके बाद आपको साइन करना है। बाकी दोस्तों अगर आपके समझ में ना आए तो आप वहाँ पर सेंटर पर जाके अपना वो भी आपके जो वहाँ पे जो मास्टर वगैरह होते हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में नहीं आए कुछ भरना, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या कर ले जाना है इसके में दोस्तों, आपको ले जाना है एक तो ले जाना है 2 पासपोर्ट साइज
दोस्तों आपको दो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है, उसके बाद आपको ओरिजिनल आईडी ले जानी है, जो आपके आधार कार्ड पहचान पर वोटर आईडी या लाइसेंस, इनमें से एक आईडी ले जाएंगे आप। जो भी आपके पास आईडी हो, आईडी वही होनी चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म के मिली वही होनी चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ आपके फॉर्म में के टाइम थी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपके फॉर्म में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लिख रहा है दो कलर कॉपीज और प्रिंट आउट। आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जो फर्स्ट पेज है ना, इसका जो ऊपर का फ्रंट पहला पेज, दो आपको दो कलर लिखवानी है, दो दो कलर कॉपी लिखवानी है या प्रिंट आउट लिखवा लेना, एक एक या कलर करवा लेना एक कॉपी करवा के। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है ब्लू पेन पेपर, और आपको एक ब्लू पेन भी ले जाना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो आप फोटो दो चार और भी ज़्यादा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और देख सकते हैं और क्या लिख रहा है अभी बता सकते हो। ठीक है भाई दोस्तों, मेरे जो मैंने आपको जो बताया, ये जो चार चीज़ें आपको ले जानी है, दो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बाकी आप दो या तीन ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ओरिजिनल आईडी ले जाना है, उसके बाद दो जो आपका फ्रंट पेज है उसके दो कॉपी ले जानी है आपको, ब्लू पेन एंड जो है पेपर भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये चार चीज़ ले जानी है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपके। अब दोस्तों जिसका एडमिट कार्ड नहीं है वो आपको कैसे यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो अभी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो उसको बात हो गई जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब जिसका एडमिट कार्ड आया नहीं है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद जिसका जो है अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो आपका इस तरह से वो दिखाई दिया जाएगा, देख सकते हैं आप, आपका एप्लीकेशन नंबर और हेल्प डिस्क। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जो है एडमिट कार्ड जो है नहीं आया है जिसका, वो इस तरह से दिखा दिया जाएगा। दोस्तों जो ये एडमिट कार्ड आया है वो 1 से 3 जुलाई के बीच जिसका एग्जाम है वो 25 तारीख में उसका जो है एडमिट कार्ड आया है। बाकी आप 1-2 दिन में चेक करते रहना, आपका अपना बारी बारी से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का बताने का कि CRPF ट्रेडमैन के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है, और जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है उसके बारे में बताया मैंने आपको, जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है उसके भी बारे में आपको मैंने दोनों बताया। दोस्तों अगर कुछ रह गया हो मेरे से तो बाकी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा है वीडियो में, आप जाकर वहाँ से भी टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, चेक करते रहना बारी बारी से 1-2 दिन में, जिसका 1 से 3 जुलाई के बीच है उसका जो एडमिट कार्ड आ जाया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई हो आपको वीडियो पसंद आएगी, जो है मैंने CRPF ट्रेडमैन का जो एडमिट कार्ड आपको बताया, कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, और जिस बच्चे का नहीं आया उसका भी बताया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और भी अच्छी वीडियो लाऊँगा एजुकेशन से रिगार्डिंग, तो अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।